जय जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसे टोटके के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत से कम लोग ही जानते हैं। बहुत ही सटीक सा टोटका है दोस्तों। पर दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। आइए बात करते हैं एक ऐसे टोटके के बारे में जो बहुत ही कम लोगों को इसकी जानकारी है। तो दोस्तों, क्या आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास क्या है? क्या आप जानते हैं ये क्या है? बहुत से कम लोग जानते होंगे कि ये क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये है बकरी की मेंगन। इसको बकरी की मेंगन ही बोला जाता है दोस्तों। इससे करेंगे आज हम टोटका। ये बहुत ही पहुँचा हुआ टोटका है, बहुत ही सरल और सटीक टोटका है। ये खाली नहीं जाता है दोस्तों। तो करना क्या है, अगर ये आप करना चाहते हैं, किसी को वश में करना चाहते हैं, तो 5 मेंगनी लेनी है अपने बकरी की। 5 मेंगनी लेके आए कहीं से भी, किसी आसपास के गांव से लेके आए, मिल जाएंगी दोस्तों। 5 होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो, पूरी साबुत मेंगनियाँ हों। अपने ऊपर से 7 बार वार लें, इनको 7 बार उतारा कर लें और उसके बाद करिए टोटका। 7 बार उतारा करने के बाद कोई मिट्टी का बर्तन ले लें और उसमें 2 कपूर डालनी है दोस्तों। हमने इनकी राख बनानी है। कपूर डालनी है, थोड़ी सी सरसों, पीली सरसों और 2 काली मिर्च, ये हमने इसमें डाल देनी है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सटीक सा टोटका है और ये खाली नहीं जाता है दोस्तों। इसके करने से आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल और पहुँचा हुआ उपाय है। जितना जो कुछ जल जाए उतना ठीक है। आपको ये जलानी है, ये मेंगनियाँ हैं, इनको आपको थोड़ा थोड़ा जला लेना है। जितने जल जाए उतने ठीक हैं, बचती हैं वो उनकी हमने पीस लेना है। उनको पीस कर राख बना लेनी है। इनको अच्छे से जला ले कपूर की सहायता से, बिल्कुल राख कर लेनी है इनको जला के दोस्तों। अच्छे से जलाएं और इनकी राख कर ले। जो राख बनेगी उसका तिलक लगा के आप जिसको भी चाहोगे वश में कर सकोगे दोस्तों। ये बहुत ही सटीक और अपनाया हुआ टोटका है, बहुत से लोगों पे अपनाया है, ये कार्य करता है दोस्तों। ये बकरी की मेंगन है, ये बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं, इनसे काम बन जाता है। आप देख पा रहे होंगे इनमें आग लग चुकी हैं और ये जल के थोड़ी देर में राख हो जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों, करेंगे उपाय बहुत ही सटीक और सरल सा है, आप अपना सकते हैं इस उपाय को। इसको करके देखें, आप जिस किसी को वश में करना चाहेंगे वो आपके वश में हो जाएगा दोस्तों। पर अकेले में करें, शनिवार को करें, चुपचाप करें, किसी को बताएं नहीं उपाय के बारे में, चुपचाप करके रख लें। ये जो राख बचेगी इसकी राख को आपने पीस लेना है। जो भी मटेरियल बचता है, राख बचती है, उसको अच्छे से पीस लें। अच्छा तो ये होगा कि इसको अच्छी तरह से जला लें, बिल्कुल चूरा बना दें जला के इसको। मिंगनियाँ जो हैं वो बचनी नहीं चाहिए, बिल्कुल चूरा हो जानी चाहिए। ये देखो, ये जल जाती हैं, आसानी से जलती हैं। ये इनमें आग लग चुकी है, ये जल रही हैं दोस्तों। इनको हमने जला लेना है, खूब अच्छे से जलाना है ताकि इनकी राख बनाई जा सके। इस प्रकार आप जला सकते हैं किसी मिट्टी के बर्तन में। पर ध्यान रखें, किसी को बताएं नहीं, चुपचाप करें ये टोटका दोस्तों। इसे आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। इसकी जो राख बनी है उसका तिलक लगाएं, तिलक लगाएं, किसी बर्तन में बंद करके रख लें इसे। इसे तिलक लगा के ही घर से निकलें। आपका जो भी कार्य होगा, जिसको वश में करना है, आराम।